नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं नामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार मासूम बच्चों पर कहर बरपा रहा है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 6 और बच्चों की मौत हो गई है। अब जिले में मौत का आंकड़ा 56 पार कर गया है। इधर देहात क्षेत्रों में वायरल बुखार फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम दौड़ती नजर आई। कैंप लगाकर दवाओं का वितरण किया गया। आइए डालते हैं एक फिरोजाबाद की खबर पर नजर, जहां वायरल बुखार ने मचा रखा कोहराम और सभी हैं इस वायरल बुखार से परेशान। आइए डालते हैं नजर खबर पर। फिरोजाबाद में बुखार का कहर, 10 दिन में 56 मरीजों की मौत। मेडिकल कॉलेज में 185 लोग भर्ती। आपको बता दें इस वक्त की जो खबर है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार मासूम बच्चों पर कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में 6 और बच्चों की मौत हो गई। अब जिले में मौत का आंकड़ा 56 पार कर गया है। इधर देहात क्षेत्रों में वायरल बुखार फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम दौड़ती नजर आई। कैंप लगाकर दवाओं का वितरण किया गया। सौसैया अस्पताल में 185 बच्चे भर्ती हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देख संसाधन जुटाना शुरू कर दिए। मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को भी आपाधापी की स्थिति रही। कानपुर और आगरा में मेडिकल कॉलेज में बाल रोग चिकित्सक बुलाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज का सौशैया वार्ड लगभग फुल है। करीब 40 से अधिक बच्चों को छुट्टी दी गई है, लेकिन मंगलवार को 50 से अधिक नए पीड़ित बच्चों को भर्ती किया गया है। तेज बुखार और बेहोशी की हालत में परिजनों को भर्ती कराने के लिए पहुंचे मरीजों की भीड़ अधिक होने के कारण काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। पिछले 10 दिनों से अब तक 56 मरीजों की मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची है। आपको बताते चलें, झलकारी नगर निवासी राज 10 वर्षीय पुत्र किशन प्रजापति की प्लेटलेट्स एकाएक कम हो गई थी। मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई। पिता किशन ने बताया कि बेटे को 4 दिनों से बुखार था। सुदामा नगर निवासी लकी शर्मा 6 वर्षीय पुत्र संजय शर्मा की प्लेटलेट्स कम होने से सौशैया अस्पताल में आगरा रेफर कर दिया गया था। रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।